चलो भाई चलो जल्दी चलो। मी सध्या फिरतो आहे लुसेल कतारा हे वालं आणि सिटी सेंटर पूर्ण हे रोड फिरतो आहे मी आता आणि उबेरला आलेले आहेत। हे पाकिस्तानमधून माणूस मस्त माणूस आहे, चांगली वार्ता करतो आहे। मी आल्यापासून म्हणजे बसल्यापासून एकदम फुल एंटरटेन चालू आहे, मस्तपैकी वार्ता चालू आहे। इकडे काय होतं आहे तिकडे काय होतं आहे। तो मैं अभी हाल ही में आपका पाकिस्तान का ये हुआ चुनाव हुआ ना, मतलब ये इलेक्शन हो गया अभी अभी कौन पार्टी जीती? हाय नमस्कार, मी आज परत एकदा लगुना मॉलला आलो आहे। रोलेक्समध्ये आलो होतो, थोडंसं काम होतं म्हणून आलो होतो। आणि हे थीम बघताय का, फुटबॉलची थीम आहे इथे, मस्त बनवतो। मला या मॉलमध्ये यायला खूप आवडतं। हो आलो परत, तर काम झालं आहे, रोलेक्समध्ये आलो होतो, काम झालं आहे, आता घरी चाललो आहे। घरी चाललो आहे, कंटाळासुद्धा आला आहे घरी जायला, कारण ओपन कुठे होतो, पाऊस पण आहे बाहेर। आज ह्या एरियात कमी पाऊस आहे आणि मी ज्या एरियात काम ऑफिस आहे माझं त्या एरियात खूप पाऊस आहे। वातावरण तर बघू शकता, पूर्ण पावसाळ्याचं झालंय, ढगाळ वातावरण। ठिंबल मगाशी आलो तेव्हा मी इकडे ठिंबलत होता, म्हणजे बघा आता थोडंसं कमी आलंय, नाही तर मगाशी ठिंबलत होता। तिकडे भरपूर पडतोय आणि या साईडला थोडंसं हे इथे हे दिसतंय ना या साईडला, हे मून टॉवर इथेच आहे, सगळं इथेच आहे। लुसेल आणि कतारा हे सगळे एकाच एरियात बांधलंय, एकदम भारी जवळजवळ आहे। आता बघू परत एकदा येणार आहे मी ह्या सिटीमध्ये, कारण भारी सिटी आहे। आता घरी जायचंय, जाऊया घरी। चलो उबेर बुक करतो आणि डायरेक्ट घरी। उबेर तर बोलवले मला, इथून कमीत कमी 30 रियाल होतील तिथपर्यंत जायला, 30 रियाल। आणि उबेर पण एकदम कम्फर्ट झोनवाले मागवले, एकदम बारीवाली। बघू आता कोणती येते, मी मागवले तर कम्फर्ट झोन, बघू आता कोणती येते सांगतो तुम्हाला, दाखवतो। ओके लॅवेश जिंदगी भाई लॅवेश। चलो तर हे एक जग जस जोक होतं असंच म्हणून माझं कुठे जातोय पैसा, माझा ऑफिसचा जातोय पैसा, जायला काय फरक पडतोय। ओके दाखवतो कशी येते उबेर। पाऊस पण पडतो आहे, चष्म्यावरती माझे थेंब थेंब असतील, मध्ये जायला थंडी पण भरपूर आहे इकडे साधी, आता पाऊस पडतोय तर। आणि उबेर आलेली आहे आपली समोर सर। चलो भाई चलो जल्दी चलो। व्हिडिओ बनायगा बारिश मे। तर ही आपली उबेर आहे आणि उबेर मस्त आले, टोयोटा कम्फर्ट झोनमध्ये मागवली होती क्रीमी। सो पाऊस तिकडे पाऊस भरपूर पडतो आहे आणि इकडे थोडंसं कमी आहे, भरपूर म्हणजे थांबवतो आहे, बाकी काय इकडे असंच पाऊस पडतो, काही जास्त पडत नाही। आपल्यासारखा पडलं तर हे पूर्ण डुबून जाणार आहे, सो इकडे कमीच पडतो। चलो भाई जाऊया, आप बात कर सकते हो? तो आज मी उबेर बुक केलंय ना, तर आज मला म्हणजे असं चांगलं वाटतं की कोणी म्हणजे आपले पाकिस्तानमधून जर कोण ड्रायव्हर आलं ना तर मला चांगलं वाटतं, का आता त्यांच्यासोबत बोलायला भारी मजा येते। आणि असं बोलत नाही की सगळे ड्रायव्हर, बट आहेत आपले इंडियन ड्रायव्हर जे आहेत ना ते जास्त बोलत नाही असे एकदम, मी नाही बोलणार असं असतं, बट पाकिस्तानी ड्रायव्हर जेवढे आहेत ना सगळे एकदम फ्रेंडली मस्त मस्त बोलतात, तर मजा येते। कारण मी अजून एक दोन व्हिडिओ पण बनवल्या होत्या,
आणि ते सगळे ड्रायव्हर जेवढे भेटतात सगळे मस्त भेटतात. वार्तागायला एकदम भारी मजा येते. तो जी भैया, भाई साहब कहाँ से? पाकिस्तान से. पाकिस्तान से कहाँ से? पाकिस्तान पराचिनार से. पराचिनार यानी पेशावर साइड से, अफगान और पेशावर के बीच में. yes, वो वाला. ताकि मैं लास्ट टाइम मुझे भी सेम वहां से ही मिले थे. मतलब मैं उनका भी वीडियो बनाया था तो जस्ट वो भी वहां से ही थे. मतलब तभी तो उन्होंने मैंने सेम बताया था पेशावर. हाँ बोलते हैं अफगानिस्तान और पेशावर के बीच में ही है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो आपको कितना साल हुआ? मैं बॉम्बे से 2 साल हो गया. दो साल हो गया. मतलब यहाँ पे पहले डायरेक्टली यहाँ पे ही आए. कतर पे 2 साल हो गया. और बाकी बाहर गल्फ में और तो उधर ज्यादा हो गया. दुबई में कहाँ से? दुबई में कहाँ पे थे? रासल गए में. पूरा दुबई में घूमे. कहाँ पे? इमारात में. इमारात में घूमे. तो ये है हीते में आलो होते है रोलेक्स जिप 51 ईस्ट है. मैं बॉम्बे से है. मुंबई. मुंबई महाराष्ट्रियन से. विजिट पे आया? नहीं विजिट पे नहीं, मैं इधर ही है. मुझे हो गया अभी 4 साल हो गया इधर कतार में. 4 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला कब पता चला गया. कोरोना में गया, 1 साल तो कोरोना में ही चला गया. बट फिर भी देश में कुछ पता नहीं रहता इधर. मतलब है इधर 4 साल दुबई. मतलब इधर दुबई में आना जाना होता है. अभी कंपनी है उधर भी तो चलता है इधर उधर. तो कैसा है बिजनेस चल रहा है? ठीक उबर का? अल्हम्दुलिल्लाह. गाड़ी आपका या रेंटिंग? फुटबॉल था तो हाँ कस्टमर अच्छा था. ये टाइम वो भी है. ये महीना थोड़ा अच्छा था. अभी इवेंट कुछ है नहीं ज़्यादा. इंशाल्लाह हो जाएगा. मैं तो मुस्लिम नहीं फिर भी मैं इंशाल्लाह ये सब कुछ बोल देता है. ताकि देखो जिधर अपन रहते उधर तो काम करना ही पड़ता है ना, और जो बात करना ही पड़ता है. तो बाकी सब ठीक? कैसे घर वाले? सब कुछ ठीक है ना आपके? हाँ जी ठीक है. सब कुछ ठीक है. हम भी ठीक ठाक है. अच्छा गुजर रहा है. गुजर रहा है नहीं, मतलब आ रहा है दिन, बस जा रहा है, ढकल रहा है. नहीं तो दिन कटता ही नहीं है. अभी सुबह से लेके इधर बाहर आना पड़ा है. कस्टमर था तो आना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल. कभी कभी आता है. मैं इधर डेली नहीं है तो कभी कभी क्लाइंट रहेगा अगर अच्छा VIP तो आना पड़ता है, नहीं तो. बट फिर भी आपका भी मतलब मुझे जस्ट बताइए उबेर में अच्छा है. ताकि देखो हमारे कंपनी से भी 2 बंदे चले गए उबेर के लिए. मतलब वो बोलते हैं उबेर में मतलब ड्राइविंग लाइसेंस निकाला उन लोग ने और अभी चले गए. बोलते हैं हम लोग उबेर चलाएंगे. तो है उबेर में अपना गाड़ी दिया है तो फिर अच्छा है. अपना खुद का गाड़ी है तो अच्छा है. अगर रेंटिंग है तो मुश्किल है. मतलब कितना रेंट जाता है तकरीबन ऐसा? 2000 से 3000 आपको. कितना 14 घंटा कितना घंटा गाड़ी चलाते? 12 घंटा. हम तो 10 घंटे से ऊपर नहीं चलाते. 10 घंटा चला देते. बट आप मुझे जस्ट एक बताओ, मुझे एक अच्छा मतलब ऐसा पूछना है आपको कि देखो गाड़ियाँ तो 2 टाइप की गाड़ी है उबेर में. एक कंफर्ट जोन भी है, एक नॉर्मल भी जोन है. तो आपने कम्फर्ट मतलब ये क्यों? मतलब इसमें आपको दोनों आ जाता है? इसमें दोनों आ जाता है. ओके okay, मतलब कंफर्ट, किसी को कंफर्ट चाहिए तो कंफर्ट भी मिल जाती है आपको. इसमें दो ऑप्शन है. ओके okay, नॉर्मल भी मिल जाती है. तो इसका थोड़ा रेंट ज़्यादा आता होगा कंफर्ट. ओके नहीं नहीं वो तो प्राइस तो 1-2-3 रियाल ज़्यादा ही आ जाता है. बट आपका रेंट का और इसका थोड़ा रेंट भी इसका ज़्यादा रेंट ज़्यादा आता है. तो अगर नॉर्मल गाड़ी लिया तो आपको रेंट 250 ऐसा कुछ आता है? मतलब गाड़ी के ऊपर डिपेंड, गाड़ी का कंडीशन के ऊपर. अगर खुद का गाड़ी है तो बेस्ट है, क्यों उसमें रेंट नहीं देना पड़ता है. अगर यानी और वो अपना ही गाड़ी रहता है तो कुछ ज़रूरत नहीं आपको. अगर रेंट नहीं जा रहा है तो आपको जितना चलाना है भाई चलाओ, ये करो वो करो. सिर्फ फिर आप खुद का गाड़ी रहेगा तो कुछ ज़्यादा मतलब एक्सपेंस आता नहीं है ना. जितना चलाना है उतना ही चलाओ, आपकी मर्जी. बट रेंट की गाड़ी है तो आपको रेंट भी देना है. तो मुश्किल है भाई. तो खुद की गाड़ी लो और उबर चलाओ. तर मी सध्या फिरतो आहे लुसेल, कतारा हे वालं आणि सिटी सेंटर, पूर्ण हे रोड फिरतो आहे मी आता. आणि उबेरला आलेले आहेत हे पाकिस्तानमधून माणूस, मस्त माणूस आहे.
चांगली वार्ता करतो आहे मी आल्यापासून, म्हणजे बसल्यापासून एकदम फुल एंटरटेन चालू आहे, मस्तपैकी वार्ता चालू आहे. इकडे काय होते तिकडे काय होते. तो मैं अभी अभी हाल ही में आपका पाकिस्तान का ये हुआ, चुनाव हुआ ना, मतलब ये इलेक्शन हो गया अभी अभी. कौन पार्टी जीती, कोई हुआ फाइनल? नहीं हुआ अभी तक ना. बस फाइनल तो बस हुआ है. इमरान खान जीत गया. इमरान खान जीत गया फिर से? वो तो जेल में है, जेल से भी जीत गए. तो अभी वो छूट जाएंगे. ट्रैफिक लग रहा है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है. नहीं वो तो सिग्नल, शायद वो सिग्नल है ना, उधर तक रहेगा. तर आज पाकिस्तानचं इलेक्शन, मला आता इथे माहिती पडतो कारण का इथे आहेत ना लोक, मग त्यांच्याशी वार्ता करून माहिती पडतो इलेक्शन चालू आहे पाकिस्तानमध्ये. ते आपल्याकडे काय एवढं कळत नाही. सो तिकडे वाटते इम्रान खान जिंकणार आहे ऑलमोस्ट, कारण तिकडे बॅलेट पेपरवर इलेक्शन होतो, आपल्याकडे मशीनमध्ये होतं, बट तिकडे बॅलेट पेपरवर होतो. हे सगळे विला आहेत आणि या साईडला एम्बसीज आहेत सगळ्या मोस्टली. इंडियन एम्बसीज पण इकडेच आहे. सपोज अभी देखो आपका रेंट का है ऐसा, मतलब दिन में मंथली मंथली में आपका एवरेज जाता है, मतलब ज़्यादा कमा ले कितना, 15-20 ऐसा हो जाता है? नहीं देखो हमारे इधर वो बंदा अच्छा खासा सैलरी छोड़ के वो लोग भाग रहे हैं, तो मतलब रहेगा कितना सैलरी छोड़ दिया? हाँ उन लोग ने 5-6 हज़ार सैलरी छोड़ दिया उन लोग ने. वो पागल है. पागल है ना. मतलब 5-6 हज़ार सैलरी छोड़ता है. आज भी हमको 4,000-4,500 मिलेगा तो हम ये छोड़ेंगे, इसमें क्या, पूरा दिन छुट्टी नहीं कुछ नहीं. मतलब हाँ एनी टाइम चला ही रहो भाई, छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं है, वही मुश्किल है. हेलो खूप टायमानंतर ट्रॅफिक सुटले. आता छायाला कधीपासून वेट करत होतो, आता हे कधी सुटते काय मी परत. असे रोड असतील तर काय गाडी चालवाय मजा येईल ना. पावसातून पण म्हणजे रोड बघा किती क्लीन आणि मजा येते, कसली पळते गाडी. बिल्डिंग दिसते ना, ही यांची सरकारी हॉस्पिटलची बिल्डिंग आहे. केवढी मोठी आहे सरकारी हॉस्पिटल, पण तो पण प्रायव्हेट टाईप दिसतोय. तरी मला काहीतरी सांगतायत आताच्या ह्याच्यात किती डेव्हलप झालं आहे. आणि पहिले तो आप 2007 में दुबई गए थे, तो दुबई मतलब पहले कैसे इंटरनेट भी नहीं था, इंटरनेट तो? नहीं था उस टाइम. बंद एक बार किधर जाता था, ये होटल है, ये बिल्डिंग है, बस वो जहन में ऐसा मतलब माइंड में आ गया आपको. हाँ रोड भी पता चलता चल जाता था. ओके मुझे इधर छोड़ो. इधर था कि हमको बकाला भी मालूम था कि ये बकाला इधर इधर. पहले तो मतलब हाँ डायरेक्टली हम लोग बोलते थे कि भाई हम लोग को इधर छोड़ो. हाँ. तो आपको सब पता चलता था वो कि इधर जाने का इन लोग को. बिल्कुल ऐसा हमको बोल रहा था, बस एक बार बोलो खत्म फिर खत्म. हाँ. अभी फिर अभी तो हम लोग डायरेक्ट नेविगेशन डालते, बट उसमें भी रॉन्ग रहता है कभी कभी, तो उसमें प्रॉब्लम भी आता है. फिर कभी ये शुरू हो गया, नेविगेशन शुरू हो गया. हाँ. करीम आया, उधर करीम आया दुबई में करीम. तो फिर नेविगेशन कस्टमर हमको बोल रहा था कि नेविगेशन पे जाओ, हम बोल रहा था कि हम नहीं जाएंगे, हमारा जीपीएस तेज है नेविगेशन से. ताकि देखो आपको तो पता है रोड जितना जल्दी जाए, मतलब आपको ताकि वहां से घूमे तो आपको पता है ना. नेविगेशन कभी कभी ऐसा घुमा के भी लेके जाता है. पूरा हमको मालूम था, कैमरा मालूम था कि इधर किधर कैमरा है, सब मालूम. आजकल के वेस की वजह से अभी हमको इधर कुछ पता नहीं लगता है, ये होटल किधर किधर है, हाँ हाँ, ये मार्केट किधर. डायरेक्ट तो पता नहीं चलता होगा, ताकि अभी अभी मैं बताएगा ओके मुझे इधर छोड़ो तब पता चलेगा, नहीं तो नेविगेशन तो डायरेक्ट पता नहीं चलता है. डायरेक्ट तब आप जब जाके जूम करोगे तब पता चलता है. ऐसा है, हम जूम करते हैं, कोई बोलते हैं कि इधर जाएगा आपको मालूम है, हम बोलते हैं मोबाइल को मालूम है बस. एक दिन कस्टमर बोल रहा था कि आपको ये मालूम नहीं, मैंने बोला मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मोबाइल को पूरा कतर मालूम. कतर मालूम. हाँ वो हैरान रह गया बस बैठ गया.